भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे तीसरे और निर्णायक टेस्ट मैच में मेजबान टीम द्वारा बेईमानी की सारी हदें पार कर दी गई, और ये हम नहीं बल्कि ये आरोप लगाया है भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने। इस विवाद की शुरुआत हुई दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी से, जब डीन एल्गर का विकेट लेने के लिए विराट कोहली उन्हें उकसा रहे थे और लगातार एल्गर पर कमेंट पास कर रहे थे। हालांकि डीन एल्गर विराट कोहली की बातों को नजरअंदाज करते रहे, लेकिन ये विवाद तब बढ़ गया जब अश्विन की बॉल पर डीन एल्गर LBW हो गए। अंपायर ने आउट दिया, लेकिन उन्होंने DRS लिया और TV रिप्ले ने उनको बचा लिया, और फिर DRS तकनीक पर कोहली, अश्विन और राहुल ऐसा भड़के कि मैदान से ही स्टंप माइक के जरिए विवादित बयान देने लगे। विराट कोहली ने जहां दक्षिण अफ्रीकी टीम पर गलत तरीकों से बॉल को चमकाने का आरोप लगाया, तो वहीं KL राहुल और अश्विन ने ब्रॉडकास्टर्स पर निशाना साधा। हालांकि तमाम पूर्व क्रिकेटर्स ने विराट कोहली और अश्विन को फील्ड पर इस तरीके की हरकत करने के लिए खूब खरी खोटी सुनाई है।